हेलो नमस्कार साथियों, मैं बृजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा आला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास बीटीसी और बीएड के जो फैसले थे, जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का था, वो जो याचिका दायर की गई थी, आज उन सारी चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे कि जो बीएड को कहाँ से निष्कासित किया गया है, प्राथमिक में रखना है कि नहीं रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आइए आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इनको निष्कासित किया गया। जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईटी के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया गया। बीटीसी जिसको कहा जाता है कि डी एल ई डी की जीत हो गई है, और उसको प्राथमिक में क्या किया गया है कि प्राथमिक में जो बीएड वाले थे, बीएड वालों को हटा दिया गया है। अब वो प्राथमिक में बीएड वाले फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो भी वैकेंसी होगी उनमें उनको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, उनको निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, भारत सरकार बीएड और एनसीटीई की याचिका को खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास राजस्थान का जो फैसला था उसी को सही घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और अब बात आती है कि यहाँ पर कि क्या जो यहाँ पर अब यहाँ पर बात आती है कि क्या जो हमारे पास जो 69,000 की वैकेंसी थी, क्या 69,000 की वैकेंसी को 69,000 की वैकेंसी में जो लोग भरे गए थे, क्या उन लोगों को निष्कासित किया जाएगा, या फिर क्या उन लोगों को रखा जाएगा उसी प्रकार से, क्या उन्हें कोर्स रख करके कोई प्रमोशन दिया जाएगा, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होंगी, उन सारी चीज़ों को डिटेल से हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीटीसी वाले थे, बीटीसी वालों की यहाँ पर जीत घोषित की गई है, और बीटीसी वाले पूर्ण रूप से इस जो कोर्ट में जो भी याचिका दायर की गई थी उसमें जीत हुई है, और बीएड वालों को प्राइमरी लेवल से हटा दिया गया है। ठीक है, और पूरे भारत में बीटीसी वाले अब प्राइमरी लेवल में ही केवल प्राइमरी लेवल में भर पाएंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारे पास बीएड वाले थे, अब वो पूरे भारत में कहीं पर भी प्राथमिक विद्यालय की भर्तियों के लिए अब वो फार्म को नहीं भर पाएंगे, केवल बीटीसी वाले ही भर पाएंगे। इस जो भी आप लोगों के नोटिफिकेशन होंगे, जो भी आप लोगों के जानकारी होगी, सारी जानकारी हम टाइम से आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।